महज 14 साल की उम्र में थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित अलवर के वेदांत को अब तक 360 यूनिट ब्लड चढ़ चुका है। वेदांत को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते आजकल ब्लड ना मिल पाने के चलते वेदांत के परिजन परेशान हो रहे हैं। अलवर जिले के रैणी क्षेत्र के इटोली गांव निवासी 14 वर्षीय वेदांत थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि प्रदेश में ऐसे अनेकों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। सरकार द्वारा इनके लिए निशुल्क रक्त मुहैया कराया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इन दिनों ऐसे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेदांत के परिजनों का कहना है कि हर 15 दिनों में उसे खून चढ़ता है। ऐसे में रिश्तेदार व मिलने वाले परिचित मदद कर रहे हैं। उनका ब्लड देकर वेदांत को चढ़ने वाला ओ नेगेटिव ब्लड प्राप्त किया जाता है। वेदांत के पिता अमर सिंह स्वयं 10 से 15 बार खून दे चुके हैं। वहीं बच्चे वेदांत का कहना है कि इन दिनों कोरोना के चलते ब्लड की व्यवस्था में परेशानी आ रही है, कई बार खाली लौटना पड़ता है। वेदांत ने सहयोग करने वालों का आभार जताया। ना, मेरे लिए ब्लड देने आए लोग और ओ नेगेटिव मुझको मिलता नहीं है, और 15 दिन में डोनर लेके देते हैं और कई बार खाली जाना पड़ता है, नहीं मिलता। मतलब सर, अभी जैसे है कि जयपुर से व्यवस्था होती है, जयपुर में जब अभी लॉकडाउन की बात मानी है तो अलवर से हमने पिछली बार भी लिया था, यहाँ भी ले रहे हैं। जैसे ये डोनर मांगते हैं तो एक दो डोनर भी लाते हैं। कितना यूनिट चढ़ चुका अब तक इनके? इनके 360 के करीब, 360 यूनिट चढ़ चुके। कौन कौन लोग मदद करते आ रहे हैं इसमें? मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन के लड़के हैं, परिवार वाले हैं, जो भी मिलने वाला है, जो भी दानदाता हैं, बहुत से और भी लोग हैं। सोसाइटी जयपुर में बनी हुई है, वो भी हमारी हेल्प करती है। इस मामले में अलवर के शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, ताकि इस महामारी में किसी की मदद की जा सके। देखिए, थैलेसीमिया से जो रोगग्रस्त बच्चे हैं वो लगातार उनको खून की आवश्यकता होती है, और पहले ज्यादातर जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के भी, वो जयपुर जाके या अलवर जो भी हमारे रक्तदान ब्लड बैंक है वहाँ से वो रक्त की व्यवस्था उनको होती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण बड़ी परेशानी हो रही है कि जयपुर नहीं जा पा रहे, और जयपुर में भी जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है आने जाने में। दूसरा, वहाँ भी रक्त को इनको मिलने में कमी आ रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, कोरोना का कालखंड जैसे दोबारा शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक ब्लड बैंक में जो हमारे अलवर शहर में है उसमें नियमित लगातार कभी 10 कार्यकर्ता, कभी 15 कार्यकर्ता, कभी 5 कार्यकर्ता, भीड़ भी इकट्ठी ना हो, और रक्तदान भी करके आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अलवर शहर सहित पूरे राजस्थान के सभी आम जन से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना में जिस प्रकार से ब्लड बैंक में रक्त की कमी आई है और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त की आवश्यकता हर 15 दिन में, हर 20 दिन में पड़ती है, तो आगे बढ़ करके आप अपने नज़दीकी रक्त बैंक में जाएँ और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को जो रक्त की आवश्यकता है अपना रक्तदान करके उनकी मदद करें।